टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा की जबरदस्त बल्लेबाजी को लेकर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। रोहित शर्मा ने कहा है कि भले ही चेतेश्वर पुजारा रन नहीं बना रहे थे, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर उनकी क्वालिटी मौजूद थी। चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी की। तीसरे दिन स्टंप तक पुजारा नाबाद 91 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसके साथ ही विराट कोहली भी थे और टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 215 रन रहा। भारतीय टीम इंग्लैंड में अभी भी 139 रन पीछे थी। चेतेश्वर पुजारा ने काफ़ी लंबे समय बाद कोई बड़ी पारी खेली। वो लगातार फ्लॉप हो रहे थे और इसी वजह से टीम में उनके सिलेक्शन को लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। इस मुकाबले में फ्लॉप होने के बाद वो बाहर भी हो सकते थे। रोहित शर्मा ने पुजारा की काफ़ी तारीफ की। उनके मुताबिक पुजारा रन बनाने का इरादा लेकर मैदान में आए थे। दिन के खेल की समाप्ति के बाद उन्होंने कहा, पुजारा निश्चित तौर पर रन बनाने का इरादा लेकर आए थे और हम केवल क्रीज पर खड़ा होने के लिए नहीं खेल रहे थे, बल्कि रन भी बनाना चाह रहे थे। पुजारा ने दिखाया है कि वो रन बनाना चाहते हैं। कमजोर गेंदें मिलने पर उन्होंने खुलकर शॉट लगाए। रोहित शर्मा के मुताबिक पुजारा के खराब फॉर्म को लेकर टीम के अंदर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। उन्होंने आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। ये सब बातें बाहर हो रही हैं। हमें उनकी क्वालिटी और उनके अनुभव के बारे में पता है। मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में कुछ चर्चा की ज़रूरत थी। भले ही उन्होंने हाल ही में रन ना बनाए हो, लेकिन लॉर्डस में उनके और रहाड़ा के बीच अहम साझेदारी हुई थी। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।